आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 25वां अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर, उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इसराइल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे, वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पियेंगे। मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो इसराइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्य शीमोत, बालमोन और किरियातेम जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इसराइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे, तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूँगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।